नरेंद्र मोदी जी को लग गया कि उनकी सत्ता 2024 में चली जाएगी। एनसीपी के उन नेताओं पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया और उन्हीं को अपने भाजपा सरकार में ले जाके मंत्री बना दिया। भाजपा कुछ भी कर ले, जदयू को तोड़ नहीं सकती है। महागठबंधन की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में चट्टानी एकता के साथ सफलतापूर्वक चल रही है। 2024 के दंगल में नरेंद्र मोदी से दो दो हाथ करने के लिए महागठबंधन का पूरा कुनवा तैयार है। और जिस प्रकार से 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक हुई थी और बैठक के बाद लगातार विपक्ष के जो नेता हैं वो नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं, लेकिन कुछ दिनों पूर्व जिस प्रकार से महाराष्ट्र में सियासी बवंडर हुआ है, एनसीपी को तोड़ने का काम बीजेपी ने किया और उसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में भी बड़ा खेला हो सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सर हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र वाली कहानी बिहार में भी दोहराई जाएगी। सर, महाराष्ट्र में जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने जो इतिहास रचा, मंच पे एकजुटता दिखाने का काम किया और तमाम विपक्ष के जो दल हैं 18 दल वो एकजुट हुए हैं, 13 तारीख को बैठक हुई, आगामी दूसरी बैठक भी होने की बात सामने आ रही है, लेकिन उसके पहले ही एनसीपी को तोड़ दिया गया, अजीत पवार चले गए बीजेपी में और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में भी बड़ा खेला हो सकता है और जदयू को भी तोड़ने की कवायद लगातार चल रही है, क्या कहें? देखिए, 23 जून को बिहार में पटना में विपक्षी एकता की एक मिसाल कायम हुई और विपक्षी नेताओं की बैठक हुई, जिसके बाद नरेंद्र मोदी जी को लग गया कि उनकी सत्ता 2024 में चली जाएगी। इसके बाद वो छटपटाहट में ये तरह तरह के महाराष्ट्र वाले कांड और अंध कांड करने को शुरू किए। पहले तो उन्होंने धमकी दिया कि भाई जो भ्रष्टाचारी हैं उनको हम ये करेंगे वो करेंगे, जिसमें कमज़ोर कड़ी महाराष्ट्र में टूट गई और कमज़ोर कड़ी महाराष्ट्र में एनसीपी में शरद पवार को छोड़कर भाजपा के साथ चली गई, क्योंकि भाजपा ने धन बल और छल का प्रयोग किया और भाजपा का जो भ्रष्टाचार पे जो अटैक करने की मुहिम की में जो उनकी जो दोहरी नीति है, एक तरफ कहते हैं भ्रष्टाचारियों को विपक्ष में लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं, और जितने उन्होंने हाल में कुछ दिनों पहले एनसीपी के उन नेताओं पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया और उन्हीं को अपने भाजपा सरकार में ले जाके मंत्री बना दिया, तो भ्रष्टाचार के मामले में भाजपा का क्या नज़रिया है ये तो जग जाहिर है। और जहां तक जदयू को तोड़ने की बात है, देखिए जदयू के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद सब जदयू के नेता नीति और नियत से जुड़े हैं। जदयू के नेता सरमायता नीतीश कुमार से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी नीति हमारे जदयू को उन्होंने जो बताया है, न्याय के साथ विकास के साथ जुड़े हैं और नियत से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पे भाजपा कुछ भी कर ले जदयू को तोड़ नहीं सकती है। और ये हमारे नेता को आभास हो गया कि भाजपा कैसे कैसे अलोकतांत्रिक तरीके अपनाएगी, इसलिए हमने भाजपा को छोड़ करके महागठबंधन में आए और हम सब जानते हैं वो क्या हथकंडे अपनाएगी, लेकिन हम हथकंडे को फेस करने के लिए तैयार हैं क्योंकि जनता हमारे साथ है और जनता जो 2024 में उनके अलोकतांत्रिक तरीके से लोकतांत्रिक पार्टियों को तोड़ने का जो प्रयास होता है उसका माकूल जवाब देगी, करारा जवाब मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से जो बीजेपी के लोग हैं सुशील मोदी, उनका सीधे तौर पर आरोप है कि 2.5 साल तक नीतीश कुमार किसी सांसद, विधायक या विधान पार्षद से नहीं मिले, कहीं ना कहीं उनमें डर है, इसी कारण सबको सीएम आवास बुला के बातें की जा रही है, 1-to-1 किया जा रहा है। देखिए, माननीय सुशील मोदी जी का अपने पार्टी में तो कद है नहीं, अपने पार्टी में तो भाव है नहीं, अनर्गल बयानबाजी करके अपने आप को राजनीतिक महत्ता में, अपने पार्टी में राजनीतिक अकाओं को दिखा करके उनका फेवर लेने का प्रयास करते हैं। ये तो वो जो अपना यहाँ पर जदयू के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो अच्छा होगा कि वो अपने राजनीतिक भविष्यवाणी करें जो उनके लिए हो तो अच्छा है, जदयू की चिंता वो ना करें। जदयू इंटैक्ट है, सरकार यहाँ महागठबंधन की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में चट्टानी एकता के साथ सफलतापूर्वक चल रही है। लैंड फॉर जॉब मामले में जिस प्रकार से चार्जशीट किया गया, सर तेजस्वी यादव हमेशा ये बताते थे, आशंका व्यक्त करते थे कि सुप्लीमेंट्री चार्जशीट में हमारा नाम डाला जा सकता है, और जिस प्रकार से लगातार अब बीजेपी इस्तीफा मांग रही है तेजस्वी यादव से कि अब तो चार्जशीट में इन पे आरोपी साबित किया गया है, आरोप देखिए केंद्रीय जांच एजेंसियां और न्यायालय अपना काम करेगी, उसमें हमें कुछ नहीं बोलना है, मगर हाल के दिनों में यह स्पष्ट हो गया है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार
केंद्रीय जांच एजेंसियों का राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए दुरुपयोग कर रही है, किसी से छुपा नहीं है। तो जनता ये सब देख रही है कि ये क्या हो रहा है और किस कारण से हो रहा है। न्यायालय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन जनता ये जान रही है कि भाई जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। उसका ये जीता जागता उदाहरण है। सीबीआई में संभवतः सीबीआई ने दो बार अपने ही जांच को समाप्त कर दिया था साक्ष्य के अभाव में। अचानक महागठबंधन में जदयू के जाने के साथ ही ये चीज़ क्यों शुरू हो गया? तो ये समय भी लोग देख रहा है, कौन से समय में क्या होता है। और इतनी अगर उनको होती सीबीआई के पास सबूत, तो हमें लगता है वर्षों से रेड किए जा रहे हैं, जांच किए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं, अभी तक कुछ मिला नहीं होता। लेकिन खैर, तो भी कानून की प्रक्रिया में हम कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले, हम कानून का सम्मान करते हैं, कानून अपना काम करेगा। इनके सीधे तौर पे डॉक्टर सुनील सिंह थे, जदयू से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका सीधे तौर पे मानना है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को करारा जवाब मिलेगा, और जिस प्रकार से बीजेपी लगातार अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करते आ रही है। रोहित दर्शनी, पटना।